आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि रणवीर सिंह ने बैंकॉक में अपनी एक दुकान खोली हुई है। एक ना बहुत ही ज्यादा बड़े वाली क्लोल हो चुकी हुई है। मुक्ति का जो फोन है वो गुम चुका हुआ है। से चटनी, दिस इज चटनी, 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 यस चटनी। मैं ना सच्ची कह रहा हूँ, थाईलैंड वाले लोगों के लिए मेरी रिस्पेक्ट जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई है। हेलो जी, कैसे हो, क्या हाल चाल, आई होप यू आर डूइंग बेमिसाल। तो जी आज है अपना डे वन इन बैंकॉक। कल का डे वन में इंक्लूड मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कल हम सिर्फ बैंकॉक आए थे, पर आज बैंकॉक हम थोड़ा सा करेंगे एक्सप्लोर। कल रात को नींद बहुत ही ज्यादा बढ़िया आई थी और आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो मेरी बीवी है और मैं हूँ, हम दोनों बहुत ही ज्यादा उलट है। उलट इसलिए है क्योंकि ये जो आप पिल्लो देख रहे हो ना, अच्छे खट्टे खट्टे खाते पीते घर के पिल्लो, इन पिल्लोज पे मुझे आती है बहुत ही ज्यादा बढ़िया नींद। और मेरी नींद होती है खराब क्योंकि मेरी गर्दन में इतना दर्द हो रहा था रात को, बहुत ही ऊंचे पिल्लो थे। अब चलते हैं, करते हैं ब्रेकफास्ट और देखते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट में वैरायटी क्या क्या है। कुछ थाईलैंडिया मिल जाए ना खाने को, आया है नजारा आ जाए। और ये जो हमारे साथी है, सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं। 4 बजे का उठ के क्या कर रहा था तू? तू तो छोड़, तू तो फिर भी कुछ कर लेगा, तू क्या कर रहा था? 4 बजे से हंसी जा रहा है। ब्रेकफास्ट में अच्छा क्या? हैप्पी को अच्छा लगा पराठा विद छोले। अच्छा, इंडियन ही लग रही है। आलू पराठा, आलू आलू पराठा, पराठा छोले और कुछ नहीं, कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, ओके ओके, कॉफी अच्छी है। मुझे ये लग रहा है हम इंडियन खाने को बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाले इस ट्रिप पे, क्योंकि इंडियन खाने की कमी है ही नहीं। मतलब पूरी दुनिया में छाया हुआ है इंडियन खाना। बैंकॉक का खाना बहुत ज्यादा अच्छा होता है, पर वहाँ पे भी अगर इंडियन खाना मिल रहा है ना, मीन्स इंडियन खाना बैंकॉक वाले खाने से भी अच्छा है। पराठा आप भी देख लो। खाना पीना डन करने के बाद यहाँ पे मुक्ति लग चुकी है बच्चों के साथ खेलने, और इन दोनों को लग रहा है कि शायद ये डांडिया खेलना सीख लेंगे तो अंबानी इनको उनकी शादी में बुला लेगा। नहीं होने वाला ये, हम ऑनलाइन ही देख लेंगे। मैनिफेस्टेशन, इनको उम्मीद है कि अंबानी इनको शादी में बुलाएगा। अंबानी नहीं बुलाएगा, उसकी तो शादी मतलब ऑलमोस्ट होगी। अब जो आगे बच्चे होंगे उनकी जब शादी होंगी उसके लिए प्रैक्टिस अभी से शुरू है ना। यार एक तो ना मेरे को बहुत ही ज्यादा बड़े वाली कंफ्यूजन है कि ये अनंत बांदी की शादी हो चुकी है, ये जो कोई फंक्शन चल रहा था वो शादी का था या किस चीज का था? तो प्लीज कमेंट करके बताना कि अगर शादी बची है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद शादी पे डांडिया खेलने के लिए हमारे जैन और गगन को बुला सकते हैं, और अगर शादी हो चुकी है तो उनके बच्चों की शादी पे शायद ये उम्मीद लगा लेंगे। अब जाके इसका शरारती बोर्ड जो है ना वो जाके ऑन हुआ है। पूरे ट्रिप पे सबसे ज्यादा मेरे ख्याल गा इन्हें पाना है। हाँ जी, तुम बोलो क्या बोल रहे थे? हाँ सच में बहुत फूडी है ये, बहुत ज्यादा फूडी है ये, अपने मामे पे गया। दरअसल बात ये है कि छोटे होते से ये फूडी वी की वीडियो देखता रहा है, तो फूडी जो है ना इसके अंदर घुस चुका हुआ है। और फूडी वी का सच्ची बोलू फ्यूचर है ये। जब हमने बुड्ढे हो जाना ना, हमने इसको हमारी प्रॉपर्टी दे देनी है, फूडी वी का चैनल। डन डील, शुगर की तरफ भाग रहे हैं। ओ यार इतना मीठा भी नहीं करना, हाई फाइव कर दे। पैसे चाहिए वो तो चैनल दे रहा हूँ मैं, तो पैसे मांग रहे हैं। हाँ जी, तो खाना खा के ना धो के हो चुके हैं हम तैयार, और अब जी सीन ऐसा है कि हम सारे जाने लगे हैं बाहर। कहाँ जाना है हमने मॉल जाना है। पहले खाना खाएं, पहले कुछ खाएंगे। इन्होंने एक्चुअली सुबह से खाना खाया हुआ है तो इनको लग रही है भूख। और आप सबको ना मैं एक चीज बताता हूँ, दरअसल मैंने और गगन ने ना एक चीज प्लान करी हुई है जो हम फिलहाल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो ये कि हर बारी गगन ना इंडिया आती थी, जिसमें उसका खर्चा वगैरह भी काफी हो जाता था, और इंडिया आने का मेन मकसद होता था फैमिली से मिलने, तो डिसाइड हमने ये किया हुआ है कि आगे से व्हाट वी विल डू इज कि ना गगन इंडिया आएगी और हम शायद से कनाडा नहीं जाएंगे, हम बीच में कोई किसी कंट्री में जाएंगे जहाँ पे हम घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे। और इस बारी क्योंकि ये ट्रायल फेज चल रहा है जो हम थाईलैंड को ट्रेवल कर रहे हैं, अगली बारी जब हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे तब पूरी फैमिली के साथ ट्रेवल करेंगे। और ना इस होटल की वाइब जो है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, और इन्होंने स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है गुड वाइब, जिसको पढ़ के फील गुड हो जाता है। एंड यहाँ पे ना पॉपकॉर्न का भी थोड़ा सा अरेंजमेंट है, एक बार पूछते हैं सिस्टम क्या है इसका, मतलब पैसे दे के लेने हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट है। कॉम्प्लीमेंट्री पॉपकॉर्न, थोड़े से पॉपकॉर्न खाते हैं हम। जब से यहाँ आए हैं ना, कार की नजर और मेरी नजर इन पॉपकॉर्न्स पे है, फाइनली जाके हम खाने लगे हैं। और ताजे बनते हैं, मैं मतलब देख रहा था रात को नहीं थे, सुबह नहीं। हाँ सुबह भी नहीं थे ना, इस टाइम पे लगता है मुझे लग रहा है। आज पहली बारी पॉपकॉर्न की रेडी वाली फील आ रही है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ सर्विस। ये देखो कस्टमर भी आ गया जी, एक पैकेट पॉपकॉर्न, एक ही बच्चे के लिए भी। 200 baht पूरी रेडी दो में। स्वादिका स्वादिका
खपुन का तो पॉपकॉर्न खा के पेट को हल्की सी तसल्ली तो मिल गई हुई है। अब हम सीधा जाएंगे मॉल और वहाँ पे पहले कुछ खाएंगे फिर शॉपिंग करेंगे। और अब एक बहुत बड़ा टास्क है, हमें टैक्सी वाले को समझाना है कि हमें कहाँ जाना है। और यहाँ पे हमको दिख गई है नारियल की रेडी, जो हम नारियल ले रहे हैं। फिर थैंक यू स्ट्रॉ, थैंक यू मुक्ति। बहुत बड़ा मुंह खोल के देते हैं जगह बना देते हैं यहाँ पे, इसका मुंह पूरा खोल देते हैं। पर मुक्ति प्राइस कॉम्पिटेटिव है, इंडिया में 60 रुपए का मिल रहा है, यहाँ पे भी 65 रुपीज तक का ही है। हाँ फ्लेवर में मतलब फर्क है इंडिया वाले से। एक चीज मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंट लगी, व्हाट दे डू इज कि इसके अंदर कोकोनट वाटर निकाल के रखो, नो शुगर। जैसे ये व्हाट दे डू इज थोड़ा ठंडा करके, हाँ मतलब ये फ्रेश वाटर ही है, निकाल के ठंडा करके दे रहे हैं। अपना जो टैक्सी का इंतजाम भी है ना वो भी हो चुका हुआ है। ये है जी अपने टैक्सी ड्राइवर, पहली बार हम अभी बैंकॉक में मीटर के हिसाब से ट्रेवल कर रहे हैं। एंड ये जो कोकोनट है ना इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है, जो हम नारियल इंडिया में पीते हैं उसके जैसा टेस्ट बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही फर्मेंटेड टाइप है, अगर कभी आपने कम्बुचा टेस्ट किया हुआ है ना ये ऐसे लगेगा जैसे कोकोनट कम्बुचा है। तो जी मीटर के हिसाब से टैक्सी का भाड़ा ना बिल्कुल ठीक था, बढ़िया लगा और जेन्युइन सा लगता है अगर आप मीटर से ट्रेवल कर रहे हो। और अब हम आ चुके हैं प्लेटिनम मॉल और यहाँ पे मतलब कि बहुत ज्यादा दुकान है, एंट्री थोड़ी स्ट्रीट टाइप से है ना, ऐसे लग रहा है कि हम रेडी मार्केट में आ गए जो एयर कंडीशन है। सही बात है। और गगन का मन है डुप्लीकेट बैग्स खरीदने का, देखने का। वाओ ओरिजिनली देख ले, देखनी है तो लुई विटॉन चलते हैं। बहुत सस्ते, अच्छा लेने हैं, नहीं वो लग रहे हैं ज्यादा ही डुप्लीकेट। हाँ। और इस मॉल की ना एक खासियत है कि यहाँ पे आपको हर चीज मिल जाती है, यहाँ पे एक और बीवी लेने का ऑप्शन भी मिल रहा है मेरे को, पर पता नहीं माल ज्यादा चले गए या नहीं तो कैंसिल कर देते हैं। हाँ। मुक्ति को ना गॉगल्स खरीदनी थी और यहाँ पे गॉगल्स मिल रही है 100 बार की, विच इज इक्वल टू 250 रुपए, बढ़िया। वो चली थी ये स्ट्रेट देख रहे ओके, पर ठीक है थोड़ी अजीब सी लग रही है तू, मतलब वैसे तू बिना गॉगल्स के भी अजीब लगती है, इसमें और अजीब लग रही है। देखो मैंने मुक्ति को दे दी है खुली छुट्टी, जो गॉगल लेनी है ले ले, पर इन्हीं में से सिलेक्ट करियो, ठीक है जिस पे हाथ रखेगी ले दूंगा। हाँ ले ले फिर, पता क्या ऑलरेडी इतनी गॉगल्स है, पर अभी ट्रिप पे लेके नहीं आई, अभी हम यहाँ पे हैं काफी दिन तो ले लेना। देखो सबको लगी है बहुत ज्यादा भूख तो शॉपिंग में हो रही है कंफ्यूजन, तो अभी हम करेंगे फिलहाल पेट पूजा उसके बाद काम दूजा। इतना बड़ा फूड कोर्ट मैंने आज तक नहीं देखा, आपको दिखा भी नहीं सकता कितनी दूर तक है वो। तो जितना ही ये बड़ा मॉल है उतना ही बड़ा फूड कोर्ट है यहाँ का, एंड मुझे लगता है यहाँ पे बढ़िया खाना जो है ना वो मिल जाएगा क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। भाई साहब फूड कोर्ट तो बहुत ज्यादा बड़ा है, पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है यहाँ पे खाने को मंगाना क्या है। यहाँ पे इनको पता है टूरिस्ट वगैरह बहुत आता है तो हर चीज के सामने इन्होंने डिश की फोटो बना दी हुई है, बट फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ऑर्डर करना है। तो थक हार के हमने 2 ड्रिंक्स ऑर्डर किया, पता नहीं कैसे होने वाली, ये कैसी है ये वाली कैसी है, अच्छी है, और ये ट्राई करना अनार का जूस टाइप लग रहा है। यहाँ पे भी हमने ड्रिंक्स ऑर्डर किया और बच्चे बाय गॉड मतलब दीदी को पीने नहीं दे रहे हैं, मतलब कॉन्स्टेंटली उनकी नजर ड्रिंक पे कि मुझे दे दो। ये देखो फूडी इंसान, फूडी बच्चा, ये उनका मतलब पक्का मान जाइए फूडी की वीडियो बन सकती है। मेरे को टास्क मिलेगा उसको ऐसी चीजें खिलाने का कि उसको पसंद आए, मीठी नहीं हो सकती, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ऐड हो गई है मम्मी की कि उनको मीठा नहीं खिलाना है। चैलेंज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थाईलैंड में सी फूड ज्यादा मिलता है। हाँ, सी फूड बहुत है गाइस। अभी दी खा रहे थे क्यूकम्बर सैलेड और दीदी के क्यूकम्बर सैलेड में से निकला है कीड़ा, कंप्लेंट करनी पड़ेगी दीदी। केकड़ा आ गया इसमें तो भाई साहब, यही सेम चीज इंडिया में होती ना अपना कंप्लेंट कर देनी थी कि कीड़ा आ गया, यहाँ पे बोलेंगे खाओ फिर एड ऑन बेनिफिट। मैंने सोचा था इस ट्रिप पे हम इंडियन खाने की तरफ नहीं जाएंगे, पर इतनी ज्यादा चीजें मंगा ली हुई है, ऑलमोस्ट सारी चीजें टेस्ट कर ली हुई है, एक तो तुक्के के साथ चीजें मंगाई हैं और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत ही जल्दी हम इंडियन खाने पे शिफ्ट होने वाले हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड है, सबसे ज्यादा बढ़िया है। इसमें ना ये सूप मंगाया था, इसके अंदर लेमन ग्रास इतना ज्यादा है ना, देखो मिर्ची ऑलरेडी इतना स्पाइसी है कि मैं खा रही तो सीसी हो रही हूं, ऊपर से अगर ये मुंह में आ गई
मतलब इन्होंने फुल फ्लेज बड़ी बड़ी मिर्ची डाली, कम से कम इसमें 15-20 मिर्चे हैं। फूड कोर्ट में एक ये दुकान मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, मैंगो मेनिया। तो यहाँ से मैं करवाने लगा हूँ मैंगो स्टिकी राइस, जो कल हमने ट्राई किया था वो अच्छे नहीं लग रहे। आई थिंक यहाँ से अच्छे होंगे क्योंकि दुकान का नाम ही मैंगो मेनिया है। मुक्ति को पसंद आ जाए, मजा आ जाए। तो ये आगे अपने मैंगो स्टिकी राइस, भाई साहब टेम्पटिंग तो बहुत लग रहे हैं। ओए मुक्ति अंदर नहीं खाने देंगे, बाहर आ जा। रेस्टोरेंट वाले बहुत ज्यादा अच्छे थे और उन्होंने बोला अंदर बैठ के खा लो। सो आई होप मुक्ति तेरे को ये अच्छा लगे। हाँ जी, क्या रिपोर्ट है? मैंगोज अच्छे हैं, मतलब डिश अच्छी है, मतलब मैंगो अच्छे तो ऑब्वियसली डिश अच्छी है। इस छोटू को तो बहुत ज्यादा बढ़िया लगे, मतलब चेहरे में स्माइल से पता लग रहा है। यम यम शर्मा गया। अभी अभी कैमरा फ्रेंडली नहीं हुआ। साहब इतना भूखा जुआक, ओए क्या खा के जम्मा था ये? भाई साहब अटैक हो रहा है खाने पे, मुक्ति के मैंगोस पे अटैक। भाई साहब जैसे कि आप सब जानते हो कि मुक्ति को मैंगो बहुत ज्यादा पसंद है, और अब जब मैंगो मिल रहे हैं तो इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने करवा लिया मैंगो स्लश, है ना? हाँ, बर्फ क्योंकि ज्यादा है इसमें, थोड़ी बर्फ ज्यादा होगी। मतलब स्लश ये था, मुझे था कि मैंगो जूस टाइप ही हो, बट उन्होंने स्लश दे दिया। और हैप्पी जीजे को खाना था आइसक्रीम, तो इन्होंने ऑर्डर दे दिया। बट ये जो आइसक्रीम है ना, ये सच में आइस और क्रीम है, ये बर्फ का गोला है, इसके नीचे बर्फ की लेयर है। अभी खाएंगे ना, फिर पता लगेगा। खाइए और बताइए कैसी है आइसक्रीम। ये तो अभी क्रीम ही आई है, आइस नीचे नहीं, अभी ये सारी ऊपर चॉकलेट चॉकलेट है, अंदर पूरा गोला है। कैसा है चॉकलेट फ्लेवर का गोला, कैसा है? I wasn't expecting this. अच्छा, खाना पीना हो चुका है हमारा, फाइनली डन, बारी आ गई अब शॉपिंग की। और शॉपिंग करते करते अपने को दिखा एक ऐसा पुतला, भाई साहब आप खुद ही देख लो, प्रेग्नेंट पुतला है, इसका पेट निकला हुआ है बहुत ज्यादा। जो बड़े साइज यार, पर ऐसे ये सिर्फ ऐसे पेट थोड़ी निकला होता है बड़े साइजेस का। बड़ा साइज मेरा भी है, पर जरूरी थोड़ी मैं ऐसा दिखता हूँ, या शायद दिखता हूँ, मुझे खुद को नहीं लगता। आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि रणवीर सिंह ने बैंकॉक में अपनी एक दुकान खोली हुई है, उसके कपड़ों की कलेक्शन कुछ इस प्रकार है, जहाँ पे आंख मारो आपको रणवीर सिंह ही दिख रहा है। कलर आप भी देख लो, कोई कलर मिस नहीं होना चाहिए। मैं ना लड़कियों से बहुत ज्यादा हैरान हूँ, मॉल में खुली छूट दे दी शॉपिंग कर लो, इन्होंने कुछ खरीदा ही नहीं, और मेरे जीजा जी ने शॉपिंग करी है, मतलब सिर्फ जीजा जी ने यहाँ पे शॉपिंग करी है, लड़कियों ने कुछ नहीं खरीदा। एक्चुअली मैं शॉर्ट टर्म में समझाऊँ, ये जो प्लेटिनम मॉल था ना, ये थी सरोजनी मार्केट में भी ना क्वालिटी अच्छी मिलती है, यहाँ पे क्वालिटी कपड़ों की अच्छी नहीं थी। और अपना जी वापस जा रहे हैं होटल की तरफ, क्योंकि थकावट हो गई बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बड़ा मॉल था, मेरे ख्याल से 10,000 स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो गए होंगे। और वापसी में भी हम सोच रहे थे कि मीटर के हिसाब से टैक्सी चलेगी वापस, पर नो मीटर। तो यहाँ पे 250 बाट भैया ने हमसे मांग लिए हुए हैं, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, देनी पड़ेंगे। अभी ना होटल में आके मैंने अपने कपड़े जो है वो लिए हैं बदल, और यहाँ पे ना होटल में एक बहुत ही बढ़िया स्विमिंग पूल है, इसके अंदर पैर डुबो के अभी बैठेंगे, स्पीकर भी ले लिया हुआ, गाने सुनेंगे साथ में। और इन दो लेडीज ने ना पहले ही यहाँ पे कब्जा कर लिया हुआ है। ओए स्विमिंग करे, स्विमिंग करके और थकावट हो जाएगी। बात तो सही है, आ गया। ओए होए होए, ठंडा ठंडा पानी, पानी को देख के ओंकार से रानी गया, और पानी में ओंकार ने मार दी हुई है छलांग। वो देखो उस शख्स को, पैर डाल के मजा बहुत आ रहा था, रिलैक्सिंग लग रहा था, ओंकार ने बोला पूरे मजे ले लूं। मैंने कहा पैर डाल के इतना मजा आ रहा है, शरीर पूरा डाल के तो और मजा आएगा। वैसे मन तो गगन जी और मेरा भी हो रहा है, बट बात ये है कि लड़कियां बहुत कुछ सोचती है, सबसे पहले तो बाल धोने पड़ेंगे, बाद में नहाना पड़ेगा, ओंकार ने तो सोचा भी नहीं, 2 मिनट में छलांग मार दी, सुखाने पड़ेंगे और फिर सोना पड़ेगा, नहीं तो बाल अजीब से हो जाएंगे। सही बात है, बैड हेयर डे नहीं चाहिए हमें कल। और कल दीदी का बर्थडे वैसे भी। हाँ, देखा जाएगा, बहुत सारे दिन आने हैं जब हम बीच पे होंगे। हमें बहुत मौके मिलेंगे स्विमिंग करने के। एक ना बहुत ही ज्यादा बड़े वाली क्लोल हो चुकी हुई है, मुक्ति का जो फोन है वो गुम चुका हुआ है। अच्छी बात ये होगी कि उस पे इंटरनेट चल रहा था, व्हाट्सएप पे कॉल करी, बंदे ने उठाई है, और हमें समझ नहीं आ रहा कि बात कैसे करनी है। यहाँ पे हेल्पर से बात करवा रहे हैं, एंड आई थिंक ये हेल्प कर रहे हैं। तो बेसिकली जिस टैक्सी में हम आए हैं उस टैक्सी में फोन मुक्ति का रह गया, भाई आ रहा है देने, भाई टेंशन हो गई थी, फोन अगर गया ना उसके अंदर बहुत ज्यादा डाटा है, और अभी नया ही फोन लिया था तो
दुख लगता है। तो जी फोन आने में कम से कम लगेगा एक घंटा और वो कह रहे हैं कि शायद कैब वाला पैसे मांगेगा। हमने बोला भाई जितने मर्जी पैसे ले ले, हमारा फोन हमें वापस कर दे। तो मीन वाइल हम करने लगे हैं यहाँ पे डिनर। तो जी आ चुका है अपना खाना। दिस इज ओके ग्रीन करी भाई साहब। आज जाके हम थाईलैंड में आके ग्रीन खाने भाई, तब से उड़ीक कर रहे थे अब जाके मिली। एंड दिस इज स्टर फ्राइड चिकन। भाई फाइनली जाके मुझे लग रहा है टेस्टी थाई खाना मिलने वाला है। और जी इसके अलावा इंडियन खाना भी जो है वो भी आ चुका है। दिस इज बिरयानी। मैं एक्चुअली मुझे पता था बिरयानी है, मैं इनके मुंह से सुनना चाहता था। कैन यू से इट अगेन, व्हाट इज दैट? दिस वन इज चिकन बिरयानी। समोसा ठीक बोला है। हाँ समोसा ठीक बोला है। से चटनी। दिस इज चटनी। सॉरी चटनी चटनी। यस चटनी। मैं सच्ची बोलूं आज इंडियन खाने को तो मिस करना हमने शुरू कर ही दिया था। तो यहाँ पे फाइनली जाके टेस्टी थाई खाना भी मिल चुका हुआ है और इंडियन खाना भी आ चुका हुआ है। खाना जो है ना सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। अब जाके लग रहा है कि हाँ थाईलैंड में थाई वाला खाना जो है आहा मजे आ जाएंगे। आज मतलब एक्सपेक्टेशंस डाउन हो गई थी, अब एक्सपेक्टेशंस फिर से बढ़ चुकी है। पर यहाँ पे एक चीज है, इन दोनों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है कि ये मटर है या क्या है। मटर से स्वाद तो नहीं क्या आती है, मिर्च नहीं है ना जैसे दीदी ने वो थोड़ा तोड़ के। मिर्च है। मिर्च है। और जी अपना जो फोन है वो भी आ चुका हुआ है। गुड हो गया, टू गुड। थैंक यू सो मच, आई पे यू वेट। तो जी ये है वो इंसान जिनकी टैक्सी में रह गया था। थैंक यू सो मच। मैं ना सच्ची कह रहा हूँ थाईलैंड वाले लोगों के लिए मेरी रिस्पेक्ट जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई है, क्योंकि करने को बंदा फोन स्विच ऑफ करके गायब भी कर सकता था पर इन्होंने हेल्प करी। दैट वाज रियली नाइस। मुक्ति जी ये लीजिए, अच्छा हुआ इसके अंदर सिम था, रिंग चली गई। तो जी खा पी के आ चुके हैं हम अपने कमरे में। गगन जो है वो सोने चली गई है क्योंकि उठी थी वो बहुत ही ज्यादा जल्दी। और उनका ने बहुत अच्छे से कन्विंस कर लिया है कि दी हमें भी बहुत नींद आ रही है, आपका बर्थडे सुबह सेलिब्रेट करेंगे। हाँ और सीन कुछ इस प्रकार है कि अभी मैं और मुक्ति सोच रहे हैं कि पास में ही ना 7-Eleven है, वहाँ पे जाए देखते हैं अगर केक मिल सकता है तो रात को उसको हैप्पी बर्थडे। ड्राई केक तो मिल ही जाएगा यार, जैसे ब्रिटानिया वगैरह का ड्राई केक अपने नहीं मिलता, उस तरीके का केक तो मिल जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो मीठे के लिए हो जाएगा और रात को फिर गगन को गिफ्ट भी देंगे जो हम स्पेशली इंडिया से लेके आए हैं, आपको भी दिखाया है। तो अभी पहले चलते हैं 7-Eleven और आपको भी दिखाते हैं यहाँ के मतलब 24/7 दुकानें कैसी होती है। सो गाइस हम निकल चुके हैं केक लेने, सबसे पहले देखते हैं गगन थी कैसे छुपा था उस तरीके से। दरवाजा खुला गगन होगा मुक्ति को देख के पता लगता है कि बचपन में छुपन छुपाई की एक्सपर्ट रही हुई ये लड़की। मजा आता है चीजें छुपाने में, एक्सपर्ट है ये लड़की, मैंने अपने बर्थडे पे देख लिया। तो जी ये है 7-Eleven, बहुत ही ज्यादा बड़ा सा स्टोर है। 7-Eleven के साथ खाने पीने की चीजें भी बहुत है ना। हाँ मतलब वो सारी दुकानें जो है ना अभी बंद हो चुकी है, दिन में मैं आया था। नॉर्मल जो लोकल लोग खाते है ना वो चीजें है। तो जी यहाँ पे राशन पानी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये जो चुपा चुप्स है यार ये दुबई में भी था, यहाँ पे भी है। ये दुबई भी यार नाम इसका इंडियन है, इंडियन नाम है चुपा चुप्स। और जी यहाँ पे खाने पीने की चीजें हैं काफी हैं। देख केक है, केक केक है। ए, ये पेस्ट्री यही ले लेते हैं। नहीं यार पेस्ट्री नहीं, केक केक होता है, वो फील आएगी। पूछते हैं ट्राई करते हैं, अगर कुछ नहीं मिलेगा तब ये लेंगे। तो ये मुक्ति जरा पूछती है केक वगैरह का, मैं तब तक आपको स्टोर के टूर देता हूँ। यहाँ पे आपको सब्जियाँ मिल जाती है। ये क्या चीज है, लेट मी सी। अच्छा चावल जैसे अपने मील्स वगैरह मिल जाती हैं 24/7 पे उसी टाइप से, ये भी कुछ है, ये समझ से परे है, नॉन वेज है, रेडी टू ईट होएगा। के अलावा भाई सौ नूडल्स की वैरायटी, गजब काफी वैरायटी है। मैगी नहीं मिल रही, पर प्रिंगल्स इंडिया में भी मिलते हैं, ठीक है। ओए होए होए होए, यहाँ पे पीने की ड्रिंक्स। और जी देखते ही देखते अपने को मिल चुके हैं यहाँ पे केक। मुक्ति आई वहाँ पे हेल्पर के साथ। अरे वो नहीं, मैंने पूछा केक पहले, तो उनको मैंने केक जैसे पहले ही ढूंढ लिया। अरे वो तो ढूंढ लिया, इतनी मुश्किल से समझाए केक कैसे देख रही है, केक मैंने कहा फिर वो यहाँ तक लेके आए मुझे। पर नहीं चलो अच्छा लग रहा है, ये देख यार, ये देखिए 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 ये देखिए देखिए चक दे फटे फिर। क्यूट है ये, बच्चों को अच्छा लगेगा। हाँ बट बच्चों को मीठा इतना तो बाज खा जाएगा।
और यहाँ पे ये याकुल्ट जो है बहुत ज्यादा वैरायटी की पड़ी हुई है। यहाँ पे मुक्ति को कुछ अलग ही सूझ रहा है। नहीं, नहीं बच्चों के लिए देख रही थी, देखो मिनी फूड है, छोटे 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 छोटे, बट ये खाने में कैसा होगा पता नहीं। हाँ नहीं रहने दे, 24/7 में खाने के साथ साथ पीने का भी पूरा इंतजाम होता है। यहाँ पे आप देखो पूरा भरा पड़ा है सामान। और थाईलैंड में ना मैंने एक चीज देखी है कि रेड बुल जो है ना वो बहुत ज्यादा मिलती है, बहुत ज्यादा वैरायटी की मिलती है। जैसे कि ये आप सारी देखोगे ना, ये रेड बुल है, आई थिंक ये भी एनर्जी ड्रिंक है। और यहाँ पे जितनी भी चीजें है ना, ऐसी चीजें इंडिया में मिलती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ, ये सुशी फ्लेवर के लेस चिप्स है, ये मोमोज फ्लेवर के, मतलब डम्पलिंग फ्लेवर के लेस चिप्स है। बहुत ही अतरंगी अतरंगी फ्लेवर है। लेस के चिप्स की वैरायटी देख जरा, ये यूएस में भी इतनी वैरायटी नहीं मिलती। वैरायटी है, हाँ सुशी फ्लेवर, आई गेस ये सीवीड है, नोरी सीवीड फ्लेवर। हाँ तो जी सरप्राइज की तैयारी हो चुकी हुई है। गगन का केक जो है ना वो कट करेंगे हम अगले व्लॉग में, क्योंकि इस व्लॉग को कर रहे हैं हम खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर, और अगला व्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना। हाँ देखते हैं गगन को सरप्राइज लगता कैसे है, कहीं हमें गालियां ही ना निकाले कि उसकी नींद खराब कर दी हमने, क्योंकि थकी बहुत हुई है, और स्पेशली बच्चे उठाने के लिए वो थोड़ा मुश्किल था। हाँ पर चलो कोई बात नहीं, बर्थडे है, साल में एक बार ही आता है, गालियां पड़ भी गिरो सह लेंगे। देखते हैं क्या होता है अगले व्लॉग में। बाय गाइस।